हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूक्लियर चैप्टर. ठीक है, हमारे पास ये क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर है. तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से. छोटा ही चैप्टर है. अगर रेडियस एल्यूमिनियम का हमें दे रखा है, ठीक है, न्यूक्लियस इज टेकन टू बी आर ए एल. ठीक है, रेडियस एल्यूमिनियम का ले रखा, देन रेडियस बताना हमें टी ई न्यूक्लियस इसका क्या होगा. ठीक है, डायरेक्ट भाई हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर में ऐसा एज सच को समझाने वाला नहीं है. जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा सा चैप्टर है, तो उसी से हम इसको सोल्व कर लेंगे. भाई फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रेडियस के कंटेक्स्ट में फॉर्मूला यूज करते हैं, हम अप्लाई करते हैं ए वन रेज़ टू पावर 1/3. ठीक है, आर नोट इंटू एरिया. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहां पे ए का मतलब होता है मास नंबर. ए क्या होता है भाई, ए यहाँ पे मास नंबर होता है. तो हमें एल्यूमिनियम का दे रखा है आर एल इज इक्वल टू आर नोट, ए कितना मास नंबर कितना है 27 दे रखा है. ठीक है, इज इक्वल टू 3 आर नोट. जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आर नोट. तो यानी कि और हमें निकालना है टी का, तो हमारे पास क्या आएगा, आर नोट इसका नंबर होता है मास नंबर 125. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके 5 आर नोट. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, जब हम इसको इक्वेट करेंगे 5/3 रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम. तो देखेंगे भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था इसमें. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, करेक्ट है. नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की. अगर न्यूक्लियर रेडियस किसका, एल्यूमिनियम का, इस 3.6 फर्मी 3.6 फर्मी है, तो अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस बताना है कॉपर का फर्मी में कितना होगा. क्या बात की है यहाँ पे, अगर न्यूक्लियर रेडियस एल्यूमिनियम का 3.6 फर्मी हमें दे रखा है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस कितना होगा कॉपर का फर्मी में. फर्मी भाई एक यूनिट होती है, ठीक है, ऐसा ही तो नहीं होती, ये यूनिट होती है बेसिकली. ठीक है, तो इसमें हमें बताना है. तो भाई इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, क्योंकि स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. देखो भाई, जो रेडियस है न्यूक्लियर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक नंबर. दैट इज मैं लिख सकती हूँ, इसको भी छोड़ो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, यानी कि किसके क्यूब रूट जो होता है एटॉमिक नंबर का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. और फॉर्मूला भी मैंने पीछे आपको बताया था आर नोट ए 1/3. ठीक है, ये बताया था जहाँ पे आर नोट क्या होता है भाई, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है. यहाँ पे आर नोट प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम आर नोट लगाते हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे. दो दे रखी हैं, तो यहाँ पे ए टू दे रखा है 64 क्वेश्चन में, ये 27 दे रखा है 1/3. तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा भाई, 5/4 आएगा. जहां पे आर वन क्या है भाई, रेडियस है किसका, एल्यूमिनियम का. और ए वन यहाँ पे आर वन और ए वन क्या है, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का. ए और आर टू यहाँ पे क्या है, रेडियस है कॉपर का. और ए टू एटॉमिक नंबर अपना इसका सी यू का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला आर टू इक्वल टू आर टू निकालना हमें, तो 3.6 फर्मी हमें दे रखा ऑलरेडी. यहाँ पे हम निकाल चुके दोनों का 4/3, तो यहाँ पे इसको इंटू 10 करेंगे, तो ये 5/2 और ये 3/1/2. ठीक है, 12/24/5. और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4.8 मीटर आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो देखो भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सी. नेक्स्ट है भाई, दो न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशियो. मास नंबर जो है इनका 1:3 में है. रेशियो बताना है इनके न्यूक्लियर डेंसिटीज का. क्या बोला गया है भाई, दो न्यूक्लियाई है, मास नंबर जो है 1:3 में है दोनों का. ठीक है, तो रेशियो बताना है उनकी न्यूक्लियर डेंसिटीज का क्या होगा. ठीक है, वो बताना है. रिक्वायर्ड रेशियो जो है न्यूक्लियर डेंसिटीज की क्या होगी, R1/R2. ठीक है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, M1/V1, M2/V2. जब हमारे पास दो चीजें दे रखी हो तो कंपैरिजन में हम
ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि 1/3 इंटू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, रेडियस 1 और ये 3। तो अब तो भाई कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, जस्ट सोल्व करना है इक्वेट करके, ठीक है। और यहाँ पे आप आर के प्लेस पे क्या फॉर्मूला होता है, मैं पीछे दो क्वेश्चन में वही फॉर्मूला कर रही इतनी देर से हम, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे दोनों के प्लेस पे पुट करोगे तो आगे जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1/3 इंटू एम टू अपॉन एम वन इज इक्वल टू 1/3 इंटू एम टू के प्लेस पे यहाँ पे 3 पुट करोगे, एम वन के प्लेस पे 1, यानी कि क्या आ जाएगा भाई, 1:1 आंसर आएगा। तो देख लेंगे भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, डी, ठीक है। इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी होगा। इफ द न्यूक्लियस, जो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस हैज उसका न्यूक्लियर रेडियस अबाउट 3.6 फर्मी है, तो हमें टी वुड हैव इट्स रेडियस अप्रोक्सीमेटली, तो इसका कितना होगा वो बताना है। तो भाई जो क्या आपको नहीं लगता जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था ये कुछ उसके जैसा ही है, राइट, पर स्टिल मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि देखो सारे एक ही फॉर्मूले से चल रहे हैं, जब से फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है सेम फॉर्मूले से। तो मैं कह रही थी कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कम ही फॉर्मूले है, वो याद रखने आपको, ठीक है। बस क्वेश्चन समझ लो कि भाई न्यूक्लियर डेंसिटी किसमें निकालनी है, किसमें मतलब क्या चीज निकालनी, ये पता होना चाहिए इसमें बस आपको, ठीक है। इट हैज बीन नोन दैट एक न्यूक्लियस जो है मास नंबर ए का हैज रेडियस कितनी है, ये फॉर्मूला गेन, ठीक है। आर नॉट की वैल्यू भाई ये होती है 1/2 × 10^-15 मीटर, ना भी देखो तो याद रखोगे ए यहाँ पे क्या होता है मास नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। एल्यूमिनियम के केस में अगर मैं बात करूं तो लेट न्यूक्लियर रेडियस को आप मान लो आर वन, और टी के बाद टेलियम के केस में अगर मैं बात करूं तो क्या मानोगे आर टू। तो देखो एल्यूमिनियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, आर वन इज इक्वल टू आर नोट, 27 आ जाएगा यहाँ पे इसका मास नंबर, इज इक्वल टू 3 R0, जो हमने पीछे सोल्व भी किया था। और जो पीछे हमने सोल्व करके क्या आया था इसका, 5 R0 आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, भाई याद करो बार बार सोल्व करने की क्या जरूरत है। आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 5 R0 / 3 R0 इज इक्वल टू 5/3 R1 इज इक्वल टू 5/3 इंटू आर वन के प्लेस पे क्या आएगा भाई, 3.6 गिवन है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 6 फर्मी आंसर आ जाएगा। तो देख लेंगे भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। यानी कि 6 फर्मी आंसर है, राइट, 6 निकला था, तो ये हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है। रेडियस जो है किसका, जर्मेनियम का न्यूक्लाइड इज मेजर टू बी, वो कितना है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन गैलियम आर, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बताने हैं भाई कितने होंगे। तो देखो फॉर्मूला वही सेम यूज करना है भाई, ठीक है, जो अब तक ये हम आर इज इक्वल टू आर नोट ए 1/3, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन एटॉमिक मास और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बीच का, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इजिली आप पुट कर दोगे ये जब फॉर्मूला ये यूज करोगे तो यहाँ पे आगे क्या करोगे भाई, बेरिलियम के लिए आर वन इज इक्वल टू आर नोट, यहाँ पे इसका कितना मास है एन, 9, ठीक है, 9 दे रखा है, 9 1/3। दूसरे के केस में आर टू इज इक्वल टू जर्मेनियम के लिए आर नोट ए, क्योंकि हमें दे नहीं रखा, जर्मेनियम का हमें निकालना है, राइट। तो देखो दोनों को इक्वेट करोगे R1/R2 करके इज इक्वल टू 9A 1/3, ठीक है, करोगे तो सोल्व करोगे 72 आंसर आ जाएगा भाई, वही फॉर्मूले के साथ, पहले से फर्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। इस फॉर्मूले के अलावा कोई सा दूसरा फॉर्मूला अभी तक हमने यूज नहीं किया है भाई। तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है, जिसके अनुसार जो भी पूछा होगा वो निकालना है फिर, मतलब इसको क्या करके, कंपेरिजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो न्यूक्लियाई है, द न्यूक्लियाई ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियर आइसोटोन्स, इनमें से कौन सा भाई क्या है आइसोटोन, और आइसोटोन का मतलब क्या होता है भाई, जिसके न्यूट्रॉन्स क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो, उसको बोलते हैं हम आइसोटोन्स, ठीक है। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए, फॉर्मूला होता है A-Z का, फॉर्मूला याद रखोगे, आइसोटोन निकालना हो तो A-Z, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, जैसे हम इसका देख लेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले 74 इज इक्वल टू ये क्या होगा, ए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 74, एटॉमिक मास वही ऊपर होता है, और जो जो ए है वो हमेशा ऊपर होता है, और जेड यानी कि एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे वाला होता है। तो 74 - 34 कितना आ गया भाई, 31 कितना आएगा भाई, 74 - 34 हमारे पास कितना आएगा, इज इक्वल टू 71 - 31 यानी कि 40,
क्या आ गया भाई 40 आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ये इसको इक्वेट किया, इसको इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट किया तो 40-40 आंसर आया। तो पहला ही भाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर बाय चांस आप ऐसे करके देख रहे हो, इस फॉर्मूले का यूज कर लो, दोनों को सोल्व कर लो, दोनों जो सा सिमिलर ना आ रहा हो भाई उसको आगे बढ़ते चलना, जो सा जहां पे सिमिलर नंबर आ जाए उसको करेक्ट कर देना, बस ये माइनस जेड फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर लिखा होता है ऐसे याद कर लो, ऊपर वाला हमेशा ए होता है, ए सबसे टॉप पे आता है राइट, तो ऊपर जो लिखी होती है ये डिजिट ये ए होती है और नीचे वाला क्या होता है जेड होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाई एक न्यूक्लियस है जो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्स ए जेड। ठीक हैज, तो उसके पास क्या होगा, ठीक है ये बताना है कि ये क्या फॉर्मूला बनेगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, Z इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। जो नीचे वाला Z होता है ये यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं और A में से अगर हम Z को माइनस कर दे तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन्स। बेसिकली यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, A प्रोटॉन्स नहीं होते, Z प्रोटॉन्स होते हैं, A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो मास नंबर है एक न्यूक्लियस का, इस मास नंबर न्यूक्लियस के थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। मास नंबर समटाइम्स लेस देन समटाइम्स मोर, ये गलत है भाई, ऑलवेज लेस देन हमेशा नहीं, ऑलवेज समटाइम बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है। न्यूक्लियस का जो नंबर, मास नंबर जो होता है न्यूक्लियस का, वो एटोमिक नंबर के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होगा भाई, जो मास नंबर होता है, हमें ये एक एग्जांपल आप इसका याद रख लेना, मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मास नंबर क्या है उसके ये क्या है अपना एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट है भाई मेरे पास क्या, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम, एक वॉल्यूम है जो कि ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन, वो किससे ग्रेटर है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय फैक्टर ऑफ अबाउट, कितने फैक्टर से वो ज्यादा। देखो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया एक एटम ने वो न्यूक्लियस की वॉल्यूम से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है ये बताना है। ठीक है, देखो भाई इसमें फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, देखो वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है आर के क्यूब के। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं वॉल्यूम जो है एटम की इज इक्वल टू आर का क्यूब ऑफ एटम अपॉन आर का क्यूब ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, वॉल्यूम तो सेम है तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात करनी है, टू वी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला मैंने बना लिया है यहाँ पे, लेकिन भाई जो आर ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन आर ऑफ एटम इज इक्वल टू, वो क्या होगी भाई, 1/10^5 का होल क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास आएगा, तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो भाई क्या आंसर आएगा हमारे पास, आएगा 10^15 आएगा। कैसे, देखो वी एटम इज इक्वल टू यहाँ पे 5 था, 5 3 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10^15 इंटू वी यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई Mn एंड Mp रिप्रेजेंट, Mn क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रॉन के मास को, और Mp किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, प्रोटॉन के मास को रिस्पेक्टिवली। अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास M है हैज n न्यूट्रॉन्स, उसके पास n न्यूट्रॉन्स है और z प्रोटॉन्स है, देन करंट करेक्ट रिलेशन विल बी, तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा भाई, देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन Mp दे रखा है, एटॉमिक मास एलिमेंट का m दे रखा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एलिमेंट में n दे रखी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने भाई एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट में z है। तो हम जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है यानी m होता है किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस का, वो हमेशा लेस देन होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑफ मासेस का सम होता है उससे हमेशा कम होता है, यानी कि तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए, इससे कम होगा ये हमेशा, किससे ये लिख देती हूँ अगर आपको ना पता चल रहा हो ये क्या है, याद रख लेना भाई इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक वेट जो है बोरोन का, वो दे रखा हमें कितना 10.81 एंड इट हैज टू, उसके दो आइसोटोप्स हैं, एक ये बोरोन वाला मतलब दो है, एक 10 और एक 11, रेशियो बतानी है इन दोनों की नेचर में, इन नेचर वुड भी, तो क्या इनकी रेशियो होगी नेचर में वो बतानी है। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे,
तो भाई सपोज करो, सपोज दैट जो नंबर है, द नंबर ऑफ बोरोन 10 वाले की बात करेंगे सबसे पहले, 10 टाइप एटम्स, उसको हम अज्यूम कर लेंगे कितना एक्स, और 11 वाले को क्या अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे वाई. तो वेट कितना होगा भाई, वेट ऑफ, वेट की बात करें यहाँ पे, ये नंबर था, यहाँ पे आप वेट की बात करें तो इसको कंसिडर करेंगे 10x, और इसका बी 11 वाले का क्या हो जाएगा, 11y. ठीक है, 10x और 11y. तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 10x प्लस 11y अपॉन x प्लस वाई, ये होगा मेरे पास. तो यानी इज इक्वल टू, और दे भी रखा हमें कितना, 10.81. ठीक है, मतलब ये हमारे पास आएगा, मतलब गिवन है ये. तो देखो 10x प्लस 11y इज इक्वल टू 10.81x प्लस 10.81y. ये मेरे पास आएगा इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करके. तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी 0.81 इज इक्वल टू बाहर आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.19y. ठीक है, ये आ गया. तो यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 19/81, ये आएगा भाई आंसर. ठीक है, और मैं यहीं पे आपको एक और चीज बता देती हूँ, इसके रेज करके. चलो आंसर तो आप याद रखो, 19/81 ये है. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज और मैं बताने वाली हूँ, जो हो सकता है किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, वरना आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ठीक है. देखो अगर रिलेटिव अबंडेंस किसी भी आइसोटोप की किसी भी एलिमेंट में रेशियो है उसकी कितनी, n/n2. ठीक है, जिसके एटॉमिक मासेस कितने हैं भाई, m1 and m2, देन एटॉमिक मासेस एलिमेंट का क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला होता है जो कि याद रखोगे, n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2. ये है फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, तो भाई आप अपना आंसर देख लेंगे. ये मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी, क्या था, 19/81 था, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट बात करेंगे भाई, स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज रेडियस हाफ दैट ऑफ आयरन 56. मतलब कि वो स्टेबल न्यूक्लियस बताना है जिसका रेडियस आयरन का आधा हो. ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा होगा इनमें से, तो भाई देख लेंगे कौन सा होगा. मैं यहीं पे सॉल्यूशन दे देती हूँ. देखो जो न्यूक्लियर रेडियस होता है, अगेन भाई वही फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, अब तक ये याद हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे हम एक और बात जानते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तभी तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ पे आर नोट हम लिखते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, अगर आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एक ही बात हो गई. तो हम यहाँ पे लिखेंगे a2/a1 इज इक्वल टू r2/r1 का क्यूब. तो यहाँ पे r2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे भाई, हमें सेकेंड का हाफ, यहाँ पे हमसे हाफ की बात करी गई है, तो r2 के प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ अपॉन r1 का 1/3. ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8. जब इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/8, यानी कि हम लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू a1/8. a1 कितना है भाई, 56 दे रखा, अपॉन 8 इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 7, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है लिथियम 7, ये हमारे पास आएगा करेक्ट आंसर इसका. ठीक है, बस इस फॉर्मूले से आपको अगेन वही जो है ये रेशियो में लेना है, इक्वेट करना है. नेक्स्ट है भाई 13th क्वेश्चन. एक न्यूक्लियस है जो कि रप्चर का मतलब वो टूटना, वो दो न्यूक्लियर पार्ट्स में रप्चर टूट गया, जिनकी वेलोसिटी रेशियो इक्वल है 2:1 के, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दे, उनके न्यूक्लियर साइज या न्यूक्लियर रेडियस की बोल सकते हो, क्या क्या होगी, रेशियो बतानी है न्यूक्लियर साइज की. ठीक है, एक न्यूक्लियस दो में जब रप्चर हुआ है, तो देखो स्पेस बना के सोल्व करते हैं. यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में हम अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें अप्लाई करेंगे.
ठीक है, जिसके अनुसार क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, बहुत मतलब छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं ये, ठीक है। वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन, ये होता है, यही फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो देखो एज हम जानते हैं एम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है भाई 4/3 πr³ρ, यानी इसका मतलब होता है डेंसिटी, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है r³ के, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, तो हैंस हम लिख पाएंगे एम टू अपॉन एम वन इज इक्वल टू r³³ r₁³। तो यहाँ पे देखो v₁ upon v₂ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो यहाँ पे हम इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं v₁ upon v₂ r₂³ upon r₁³, ये हमारे पास आया यहाँ पे, तो इज इक्वल टू जब देखेंगे r₂ upon r₁ इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 raised to power 1/3। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आया, यानी कि कौन सा करेक्ट होगा भाई, इसकी 2:1 दे रखी थी वो हमने यहाँ पे पुट करके देखा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, बी, बी क्या है भाई करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जो मास नंबर है न्यूक्लियस का वो इक्वल है किसके, टू द नंबर ऑफ, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ किसके इक्वल है भाई, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूक्लियंस के, जितने न्यूक्लियंस वो कंटेन करता है भाई उसके इक्वल होता है हमेशा, जो मास नंबर होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो उसके न्यूक्लियंस के इक्वल होता है, ये याद रखोगे, रट लो इस बात को, ठीक है, मतलब हाँ याद ही रख लूँ, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 15th क्वेश्चन की बात करेंगे, जो मास नंबर है हीलियम का वो 4 है एंड दैट ऑफ सल्फर का कितना है 32, रेडियस जो है सल्फर न्यूक्लियाई की वो क्या है लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम बाय, वो कितनी ज्यादा मतलब कितनी लार्जर है हीलियम के कंपैरिजन में वो बताना है। तो यहीं पे इसको छोटा सा ही है भाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला देखो, रेडियस ऑफ सल्फर अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ सल्फर अपॉन मास नंबर ऑफ हीलियम, वही फॉर्मूला जो अब तक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है इसका 32 होता है, अपॉन में क्या आएगा 4 1 इज इक्वल टू सोल्व करोगे क्या आएगा 2। लो भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, एक ही फॉर्मूला के इर्द गिर्द अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं, समझ रहे हो आप, तो एक उसको तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो और एक ये पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, जो 16th है हमारे पास, जो न्यूक्लियस है विच हैज रेडियस, जिसका रेडियस कितना है 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ, मतलब कि सीजियम के 1/3 जिसका न्यूक्लियस है वो बताना है कौन सा होगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होता है लिथियम, ठीक है 7/3। नेक्स्ट है अभी 17th क्वेश्चन, जो मास डेंसिटी है एक न्यूक्लियस की वो वेरी करती है मास नंबर ए के साथ एज, ऐसा क्यों, क्या रिलेशन है, तो देखो भाई द न्यूक्लियर रेडियस, जो न्यूक्लियर रेडियस होती है क्या आर, वो वेरी करती है मास नंबर ए के साथ अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये रिलेशन मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बता रही हूं, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझाने की जरूरत नहीं रही, न्यूक्लियर रेडियस वेरी करती है भाई, जैसे जैसे मास नंबर चेंज होगा वैसे ये भी चेंज होगी, तो फर्दर मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये यहाँ पे हमारे पास होता है, एक और चीज बता देती हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, तो देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए के और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर के क्यूब के, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा भाई, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। 18th क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एटॉमिक न्यूक्लियाई के आर बिलीव्ड टू बी, क्या माना जाता है एटॉमिक न्यूक्लियाई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या माना जाता है, ठीक है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन ये होता है कि न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये बात आपको पता होगी भाई, खाली प्रोटॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होते भाई, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, ठीक है, सब शेल में ये होता है, ये सब शेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन तीनों चीजें नहीं होती, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं सिर्फ अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन ऐसी तो होता है, और यहाँ बाहर किसी भी सब शेल में यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इन द न्यूक्लियस ऑफ एन ए, ये जो हमारे पास है सोडियम का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ए है ये जेड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, भाई यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप तीनों चीजें निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी निकाल के बता देती हूँ भाई, जेड इज इक्वल टू क्या है भाई 11, दैट इज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने होंगे 11, और मास नंबर कितना है भाई 23 हमें दे रखा है, ठीक है, ए ऊपर 23 दे रखा है और जेड नीचे क्या था 11, ये आपको पता होगा मैंने बता दिए थे ए और जेड ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला है नीचे वाला जेड, इतना भी आप याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला बता रही हूँ भाई, जो मैंने एक क्वेश्चन में अभी हमने किया था, ये ए माइनस जेड मैंने कहा था, ये याद रखना, ठीक है, ए माइनस जेड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 12, 22 में से 23 गए
बाईस में से सॉरी तेईस में से ग्यारह सॉरी तेईस में से ग्यारह माइनस करो बारह आ जाएगा ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हैं, जीरो है भाई, इलेक्ट्रॉन का तो जिक्र ही नहीं हो। यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं चाहे प्रोटॉन्स है सॉरी नंबर है और चाहे प्रोटॉन्स दे रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे जीरो यानी कि नो इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। देयरफॉर आंसर क्या आएगा भाई, ग्यारह बारह ग्यारह हमारे पास क्या हो गए प्रोटॉन्स ठीक है। जेड इज इक्वल टू ग्यारह यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्यारह हो गए, बारह यानी कि हमने अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया, प्रोटॉन पता थे न्यूट्रॉन निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन क्या है जीरो। तो देखो भाई इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ग्यारह बारह जीरो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो न्यूक्लियाई है कार्बन का और नाइट्रोजन का कैन बी डिस्क्राइब, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, तो भाई करेक्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास आइसोटोन ए। देखो कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, कितने हैं भाई सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन्स, मैंने बताया था ए माइनस जेड यानी कि तेरह में से छह गए कितना आएगा सात आएगा, और ऐसे आप चौदह में से सात माइनस करो कितना आएगा सात आएगा, दोनों के जो नंबर है क्या ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं माइनस जेड से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के सेम है तो इनको हम क्या मानेंगे आइसोटोन्स ठीक है, आइसोटोन होते हैं। और भाई आइसोबार का क्या मतलब होता है, देखो एटम्स डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के जो कि डिफर करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन फिजिकल देखो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जिनकी अलग होती है उसको बोलते हैं आइसोबार्स ठीक है। आइसोटोन्स मैंने आपको बता दिया है जिनका सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है, लेकिन प्रोटोन नंबर बस अलग होगा लेकिन न्यूट्रॉन नंबर तो सेम होगा ये माइनस जेड से जब हम निकालते हैं। और आइसोटोप क्या होता है भाई, ये वो एटम होते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन डिफर कहां पे करते हैं न्यूट्रॉन्स के केस में। आइसोबार क्या होते हैं भाई, एटम होते हैं डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के जिनके पास इक्वल वॉल्यूम वैल्यूज होती हैं एटॉमिक मास के कंटेक्स्ट में। आइसोटोप्स है द सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन आइसोबार्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई डिफरेंट होता है ठीक है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, जो रेशियो है रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई एल्यूमिनियम का अगेन, और ये इज अप्रोक्सीमेटली रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा भाई, देखो यही फॉर्मुला अप्लाई करोगे, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है एज इट इज ठीक है इसी कंटेक्स्ट में, तो ये फॉर्मुला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे फिर इसको आप आर ए एल अपॉन आर टी करके थ्री अपॉन फाइव फिजिकल टू क्या जाएगा सिक्स अपॉन टेन, तो यानी कि हमारे पास इसकी रेशियो क्या आएगी सिक्स रेशियो टेन ए, मतलब इसी फॉर्मुले से निकालना है। नेक्स्ट है भाई, व्हेन आर यूरेनियम आइसोटोप, जब यूरेनियम का आइसोटोप ये जो हमें दे रखा बॉम्बार्डेड विद एक न्यूट्रॉन के साथ उसने बॉम्बार्ड कर दिया पिट गया इट जनरेट्स, उसने जनरेट किया तीन न्यूट्रॉन्स एंड ठीक है क्रिप्टन थ्री न्यूट्रॉन्स एंड, मतलब क्रिप्टन के साथ साथ तीन न्यूट्रॉन्स और क्या जनरेट करेगा वो ठीक है ये बताना है। देखो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो, ये एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, यूरेनियम ने इसके साथ बॉम्बार्ड किया और उसके बाद इसने जनरेट कर दिया, यानी कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है भाई जो मतलब अलग अलग टूट जाए बॉम्बार्डेशन के बाद, ये यू था 235N2 यूरेनियम ठीक है प्लस न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता ठीक है, मतलब इसने बॉम्बार्ड हाँ न्यूट्रॉन ये दे रखा ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ इसने बॉम्बार्ड किया फीजन हो गया अलग अलग हो गया, यानी क्रिप्टन में जो हमें दे रखा है 89 36 प्लस यहाँ पे हमारे पास तीन न्यूट्रॉन्स होते हैं 1/3N प्लस यहाँ पे आएगा बेरियम, ये याद रखो ये एक रिएक्शन होती है जो ऐसी पूछी जाती है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ये रिएक्शन है भाई ऐसे याद रख लो इसको कुछ भी समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट है भाई, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस, वो एनर्जी बतानी है जो इक्विवेलेंट होते हैं किसके 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के क्या होगा, तो देखो भाई थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। फ्रॉम द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो रिलेशन होता है किसके बीच में मास एक सब्सटेंस के मास के बीच में और एनर्जी के बीच में, ये फॉर्मूला आपको पता होगा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये होता है जहां पे सी क्या होता है भाई स्पीड ऑफ लाइट ठीक है, और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू मास कितना है भाई 0.5 × 10⁻³⁻³ गिवन, स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁻⁸ भाई, ये ना भी गिवन हो तो आपको याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट यानी सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ होता है, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.5 × 10⁻³⁻³ × 9 × 10⁻⁶ यानी कि आंसर आएगा 4.5 × 10⁻³⁷ जूल, ये आंसर आएगा ठीक है।
यानी कि क्या आंसर अभी देख लेंगे, 4.5 था तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. एक न्यूक्लियस है किसका, यूरेनियम का, डिकेज एट रेस्ट, रेस्ट पे वो डिके हो गया, न्यूक्लियाई ऑफ थ्योरम और हीलियम में, देन तो आगे बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम, मोर लेस काइनेटिक एनर्जी. हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर, हीलियम न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, ये ठीक है भाई. हीलियम न्यूक्लियस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी थोरियम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में. देखो भाई थोड़ा सा समझो, ये मैं स्पेस बना के आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ. मैंने जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी ना ऊपर, वो एक्सप्लोजन आपको याद रखना है, वो भी याद रखोगे, उससे रिलेटेड ही है मतलब सब कुछ. देखो इन एन एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन में एक बॉडी जो है ब्रेक्स अप इंटू कितने पार्ट में, इंटू टू पीसेस, दो पीसेस में वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जो कि कैसे होते हैं भाई, अनइक्वल मासिस के होते हैं. ठीक है, अनइक्वल मासिस के होते हैं. तो दोनों पार्ट जो होंगे, बोथ पार्ट, वो कैसे होंगे भाई, विल हैव, उनके पास क्या होगा, न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम होगा. न्यूमेरिकली कैसा होता है भाई, इक्वल मोमेंटम होता है. एंड लाइटर पार्ट, और लाइटर पार्ट जो होगा भाई उसका, उसके पास क्या होगा, ज्यादा विल हैव मोर एनर्जी, सॉरी एनर्जी नहीं, वेलोसिटी. लाइटर पार्ट के पास भाई ज्यादा वेलोसिटी होती है. दोनों का मोमेंटम क्या होता है भाई, न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो जो दोनों पार्ट्स का, जो कि अनइक्वल मासिस के होते हैं, उनका मोमेंटम क्या होता है भाई, सेम होता है. ठीक है, बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू पीसेस ऑफ अनइक्वल मासिस, बोथ पार्ट विल हैव न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम. और मोमेंटम मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा, ये एबिलिटी होती है टू कीप इंक्रीजिंग या फिर डेवलपिंग, उसको बोलते हैं मोमेंटम. ठीक है, किसी भी चीज की ऐसी एबिलिटी ये हो सकती है. और इसकी मोमेंटम की अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वेयर होती है. ठीक है, ये आपको पता होगा भाई, बहुत बेसिक सी चीज है. मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी होती है मोशन की, जो पजेस की जाती है एक मूविंग बॉडी के द्वारा, उसको बोलते हैं मोमेंटम होता है बॉडी. ठीक है, जो कीप मूविंग और इंक्रीजिंग वाला जो फिनोमेना होता है, यानी कि यूरेनियम का ब्रेकडाउन होता है थोरियम और हीलियम में, जो पीछे हमने रिएक्शन में किया था, यानी कि हम लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी थ्योरम की, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वेयर अपॉन 2m. ठीक है, m कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है. और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं अगर हीलियम की, तो उसका होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m ऑफ हीलियम. तो यहाँ पे सिंस जो मास है हीलियम का वो काइनेटिक, अब हीलियम का मास भाई आप जानते हो, इसके हीलियम का मास जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी से कम होता है हीलियम की. ठीक है, तो सिंस जो मास है हीलियम का वो कम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हीलियम की वो क्या होगी, ज्यादा होगी. जिसका मास कम होता है भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. देखो जो जितना लाइटर होगा, यहाँ पे ये बात मैंने लिख दिया, याद रखोगे, लाइटर पार्ट के पास ज्यादा वेलोसिटी होती है. आप देखो एक तो भाई कोई भारी वजन की चीज है, ठीक है, उसको मतलब एक पंख है मान लो, ठीक है, एक लाइट बिल्कुल फैदर होता है, वो आसानी से हवा में उड़ सकता है. आप एक पत्थर को उड़ा सकते हो, नहीं हो सकता ना. तो ऐसा ही होता है कि भाई जो थोड़ा सा लाइटर होता है, और ये माना जाता है भाई जिनका बोन मास थोड़ा सा लाइट होता है ना, ये मतलब जो मतलब पतले पतले से होते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा अच्छे स्प्रिंट मार सकते हैं. ठीक है, क्योंकि भाई उनका मास क्या होता है, मतलब उनका जो मास होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, ज्यादा होती है. तो इस वजह से डी ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आया होगा कि मैं इसका डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है. मैंने पूरा रीजन आपको दे दिया, इवन पूरा एक कंसेप्ट मैंने इसके रिगार्डिंग आपको समझा दिया. लास्ट क्वेश्चन है भाई, जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई, वो हमें दे रखी है दोनों की बाइंडिंग एनर्जी रिस्पेक्टिवली. तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो अपना ये लिथियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स हीलियम प्लस क्यू, तो जो वैल्यू होगी ऑफ एनर्जी क्यू रिलीज, जिस वैल्यू बतानी है एनर्जी क्यू रिलीज की क्या होगी. ठीक है, देखो भाई यहीं पे बता देती हूँ, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसकी, हीलियम की, वो क्या होती है 4 × 7.06, ये होती है तो 28.24. ठीक है, ये होगी बाइंडिंग एनर्जी लिथियम की, निकाल लो ऐसे ही सिमिलरली क्या 7 × जो दे रखे 5.670, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे ए यानी एटॉमिक वो अपना मास नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है किसको, बाइंडिंग एनर्जी को. तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, तो फिर ये जो रिएक्शन दे रखी है इसमें दोनों को पुट करोगे, इसका यहाँ पे आया होगा 39.20, इसका आ जाएगा क्या हीलियम का 28.24 इंटू हीलियम के साथ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आएगा भाई 56.48. तो अब जो 56.48 आया है सोल्व करके, इसको माइनस कर दो 39.20 से, 39.20 से इसको माइनस करोगे तो आएगा 17.28 माइक्रो. ये अपना
हमारे पास आएगा कितना है, 17 आया, सॉरी 17.25, यानी कि अप्रोक्सीमेट 17.3 हम लिख सकते हैं इसको, अप्रोक्स 17.3 आ गया। ठीक है, तो भाई इसके इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। न्यूक्लियर छोटा ही चैप्टर था, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है थोड़ा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।